ये चूहे का गोश्त है, इन्होंने काट के रखा था। ये बड़ा चूहा लग रहा है कोई, देख रहे हैं ये इसकी, देख रहे हैं ये हाथ पाँव का हिस्सा है। ये ले जी, डाल दिया कढ़ाई के अंदर। ये एक चूहा नहीं है, कोई चार पाँच छह चूहे हैं। ओ उल्टी हो जाएगी मुझे, ओए बहुत गंदी स्मेल आ रही है। ओह सांप, ओए भाई साहब ये सांप भी खाते हैं। ये देखें उन्होंने हाथों में पकड़े हुए सांप। ले भाई ये खातून है, और ये जो है ये भी चूहा डिश जो है खा रही है आगे। अस्सलाम दोस्तों, मैं हूँ आरिफ अली देसी ट्रैवलर पर। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कंबोडिया निकल रहा है मुँह से, वियतनाम के अंदर। वियतनाम का एक गांव है, गांव उस गाँव के अंदर मौजूद हूँ जहाँ पे ख़ास तौर पे हमारे लिए चूहा पकाया जाएगा, और आपको चूहा खा के दिखाएंगे आज कि चूहा खाने में कैसा होता है, कैसे बनता है, ये सब कुछ देखेंगे इस वीडियो के अंदर। तो आपने मिस नहीं करना, वियतनाम की किसी भी वीडियो को मिस नहीं करना, सारी वीडियोज़ देखनी है आपने। तो अंदर चलते हैं और अंदर चल के देखते हैं जी कैसे चूहा बनाया जा रहा है। कहाँ गए भाई साहब, आइए चलते हैं उनके पास, वो हमारे लिए चूहा तैयार कर रहे हैं, कैसे पकाएंगे इसको। हेलो वेरी ये जी आ गए, यहाँ पे डिश तैयार हो रही है। ये देखें चूहे का मीट है ये। ओ भाई ओ तेरी खैर, ये चूहे का गोश्त है भी सारा, और इसको ये बना रही हैं खातून, ये स्पेशलिस्ट हैं इसकी। यहाँ पे बड़े शौक से खाया जाता है। ये देखें ये चूहे के अंदर का आइटम है सारा, ये चूहे का गोश्त है, इन्होंने काट के रखा था। और ये देखेंगे पकते हुए कैसे पकेगा, और इसको हम दिखाएंगे खाते हुए भी आपको कि इसको कैसे खाया जाता है। आज आपको चूहा टेस्ट करके बताएँगे। ले जी ये है, ये बड़ा चूहा लग रहा है कोई, देख रहे हैं ये इसकी, देख रहे हैं ये हाथ पाँव का हिस्सा है। ये छोटे छोटे चूहे हैं, ये बड़े वाले नहीं हैं। इनको ज़बान नहीं समझ आती, वरना मैं इनसे बात करता। इन्होंने पता नहीं क्या मिक्स किया, अंदर सॉसेस वगैरह डालते हैं और इसके बाद ही बनाते हैं। स्पेशल है, स्पेशल ये चूहा खिलाते हैं लोगों को बना के। देखें इसके अंदर डल रहा है, लहसुन डलेगा इसके अंदर। ये हमारा ये चूहे का मीट है, और ये लहसुन छीला जा रहा है। लहसुन को इसमें ऐड किया जाएगा खुशबू के लिए, जैसे हम लोग डालते हैं ऐसे ये भी लहसुन डालेंगे इसके अंदर। तो पूरा प्रोसीजर दिखाऊंगा, अगर किसी ने बनाना है घर से चूहा पकड़ के वो इस तरह बना सकता है। और देखें जगह बहुत खूबसूरत है, जब तक वो लहसुन काटती हैं तब तक मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें ये इनका वॉशरूम है, ये घर भी है इनके, और यहीं पर ये काम भी करते हैं, ये बर्तन वगैरह इनके सारे। और ये बाहर जो है पूरा वो खेत हैं सारे, चावल के खेत हैं। और ये इनका फ्रिज वगैरह रखा है, कपड़े इस तरह से होते हैं, अलमारी भी रखी है लेकिन इस तरह भी टंगे हुए कपड़े हैं इनके। तो ये साहब हैं, इनके पास स्पेशल लेकर आया मुझे वो मेरा वियतनामी भाई। तो देखते हैं, इन्होंने चूल्हा जो है ना जला लिया है, और इसमें तेल शेल नहीं डाला है कोई अभी तक, मेरे को लगता है ये ऐसे ही डाल देंगे इसके अंदर। ये देखें ये पकड़ा, ओहोल्ला आज चूहा खाएंगे जी, आज चूहा खा कर दिखाएंगे आपको कैसा लगता है चूहा खाना। ये तेल निकाला इन्होंने, तेल थोड़ा सा डाल दिया इसके अंदर। अब इसके अंदर ये होगा चूहा फ्राई। वाओ ये ले जी, डाल दिया कढ़ाई के अंदर इस चूहे को। ये देखें ये एक चूहा नहीं है, कोई चार पांच छह चूहे हैं, पूरे पूरे इतनी गंदी स्मेल उठी है उसके। तो हेलो हाउ आर यू, ये इनका बच्चा है, मोटू मोटू से हैं। और ये देखें जी ये चूहा डल चुका है इसके अंदर। ओ उल्टी हो जाएगी मुझे, ओए बहुत गंदी स्मेल आ रही है। अल्लाह हू अकबर, अबे बहुत गंदी स्मेल है यार, मैं खाऊंगा कैसे इसको। मैं भाई इसको खा लूँगा, कोई बात नहीं, आप लोगों के खातिर आज चूहा भी खा लेंगे। ये चूहा बन रहा है बड़ी गंदी स्मेल के साथ, और इनके किचन में खड़ा हूँ मैं, बड़ी मुश्किल से खड़ा हूँ सर सिर्फ दिखाने के लिए आप लोगों को। ये भी चूहा तैयार हो रहा है, ओहो बस इतना काफ़ी है।
जितना दिखाया उतना काफ़ी है भाई, ये मुझसे भी बर्दाश्त नहीं हो रही इसकी स्मेल, बहुत गंदी स्मेल आ रही है अब ये तैयार। ओह हो, यहाँ भी नहीं खड़ा हो जा रहा। अब ये तैयार हो जाता है ना तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ कैसा है। बहुत गंदी बू है इसकी, बहुत ज़्यादा गंदी बू है। और ये देखें जी, ये झूले वूले हैं इनके यहाँ पर, इस तरह से जो ना लोग रहते हैं झूले डाल के झूलों के ऊपर। और ये देखें, ये इनके एक किचन डाइनिंग एरिया है। बल्कि मैं आपको लेके चलता हूँ जहाँ पे हमने बैठ के चूहा खाना है, वहाँ पर लेके चलता हूँ आपको। ये बच्चा है इनका, ये मेरी वीडियो बना रहा है। और ये देखो, ये बच्चा है हसनैन। या ओके ओके ओके, ये ओके ओके, ये इनका बैठने की जगह है जी, वहाँ पे बैठते हैं जाके। ठीक है, आइए। अब तैयार हो रहा है भाई, मैं नहीं, आप अंदर खड़ा हो रहा, बहुत गंदी बू है। ये है कुछ सिस्टम, यहाँ पे देखें कितने ऊंचे ऊंचे घर बनाए हुए, नीचे फ्लड अगर आ जाता है तो इनके घर सेव रहते हैं। अब आइए चलते हैं उस जगह पे जहाँ पे बैठ के हमने चूहा खाना है। ठीक है जी। ओहो, यहाँ तक स्मेल आ रही है, देखो। वीडियो वीडियो। ओके ओके, योर नेम मैडम खोमिन, डू यू नो इंग्लिश? हाँ, वेरी नाइस वेरी नाइस। डू यू ईट माइस? मैडम इया ता तो यू तो ही इज योर, ही इज योर डैड, ही इज योर डैड, फादर, मैडम ये फादर 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 फादर। ओह ये माय, वाओ, ये जी इनका बेटा है, ये एक बेटा ये था, एक बेटा भी अंदर गया है। और इनकी देख रहे ज़िंदगी ऐसे ही है, लोग इस तरह से रहते हैं, ये घर है लकड़ी के, सब सब कुछ लकड़ी का बना हुआ है। ठीक है ना, चलो ओके, आइए आपको लेके चलता हूँ। ये मुझे लेके आए साहब किसी जगह पे, ये देखें इस तरह की जगह है, यहाँ से चल के हमने इनके इस एरिया में आना है। इन्होंने मुझे कहा है मेरे साथ आओ, मैं दिखाता हूँ। ये देखें, ये पड़ी हैं बियर वगैरह पड़ी हैं यहाँ पे, ये बहुत कॉमन है इन जगहों पे। ओके, ये देखें जी, बड़ा खूबसूरत मंज़र है, यहाँ से दिख रहा है सारा। ये सारी फसल है अपने चावलों की। और ये डेक यहाँ पे जगह जगह आपको नज़र आएंगे, डेक रखे होते हैं, डेक बज रहे होते हैं, ये बच्चे स्कूल जा रहे हैं, ये यहाँ पे बैठ के लोग खाते हैं। मैं भी आपको आज चूहा खा के दिखाऊंगा कैसा लगता है चूहे का टेस्ट। बड़ा स्मेल तो बहुत गंदी थी, लेकिन कोई बात नहीं, हो सकता खाने में ना आए। सांप वहाँ बड़े मकदार में है जी, इधर आ जाते हैं, नज़र आ जाते हैं। मैं देख रहा हूँ कोई नज़र आता है तो दिखाता हूँ आपको। आओ जी, ओके, दोबारा से लेके जा रहे हैं अंदर। अभी क्या दिखाने लगे हैं पता नहीं मुझे। ओ सांप, ओए होए होए होए, ओए सांप भाई, सांप है, ओए छोटे छोटे सांप, ये देखें जी छोटे छोटे सांप है ये। ओ अरे भाई साहब, ये सांप भी खाते हैं, ये देखें उन्होंने हाथों में पकड़े हुए सांप, कितने छोटे छोटे सांप है। अबे नहीं बे, काऊ काऊ नहीं कर। ये देखें, ओए होए 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 होए, यहाँ पे मैंने कहा सांप, ये छोटे वाले नस्ल के सांप है, इसको भी ये खाते हैं, मैंने देखा है अक्सर उसमें लगा के सेक रहे होते हैं, ग्रिल कर रहे होते हैं इन सांपों को। ओ यू ईट? ओ भाई क्या चीज, ये चीज़ दिखाने के लिए मुझे लाए थे ये। और यहाँ पे हमारी चूहा फ्राई जो तैयार हो रही है, ये देखें चूहे सिक रहे हैं इस टाइम, बड़ी ही गंदी स्मेल है। ओहो, आप फील नहीं कर सकते, मैं फील कर रहा हूँ, लेकिन मैं खाऊंगा, कोई बात नहीं, आप लोगों के खातिर चूहा भी खाएंगे, आज दिखाएंगे खा के आपको कैसा होता है चूहा। ले जी, आ गए हम उस जगह पे जहाँ पे बैठ के हमने वो चूहा कढ़ाई खानी है। हमारी चूहा कढ़ाई रेडी हो गई है, पूरे पूरे चूहे हैं ऐसे ऐसे, पूरे पूरे रखे हुए, काटा हुआ, दो पीस भी नहीं किए हुए उसके। तो खा के देखते हैं कैसा टेस्ट होता है इसका चूहे का, फिर बताऊंगा आपको। स्मेल तो बहुत गंदी आ रही थी उसकी। और ये देखें, ये जगह है जहाँ हम बैठे हैं, इस तरह का ये पूरी नदी बह रही है साथ, ये झूला डला हुआ भाई, झूले पर लेटा है इधर। और ये जो है हम यहाँ बैठे हैं इस जगह के ऊपर ऐसे, ना आपको लग रहा होगा देख कर ही मज़ा आ रहा होगा, मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है। यहाँ पे हवा चल रही है और झूला पड़ा है और पानी बह रहा है साथ साथ, तो बड़ी अच्छी जगह है, बहुत ज़बरदस्त जगह है जी। ये छोटी सी बच्ची है, ये पता नहीं बच्चा है। हेलो
लो भाई, ये चूहा कढ़ाई आ गई है और ये पूरा पूरा चूहा इसके अंदर पड़ा है जी। देखें, ये देख सकते हैं आप लोग, हेलो पूरा चूहा पड़ा है सर। राम अल्लाह अकबर। नहीं भाई, मैं तो किसी चीज को हाथ राम नहीं लगाऊंगा। मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था आप लोगों के साथ। मैं नहीं खाऊंगा भाई ये चूहा। चूहा ये बंदा ही खाएगा जो आया यहाँ पे। ये उसने सबसे वगैरह रखी है और ये चूहा पकने के बाद इस तरह से शेप आई है इसकी। ये लन यूट्यूब पर, ये लन यूट्यूब पर आया जी, 140,000 người đăng ký। ये तो बहुत चाहिए हो गया। भाई ये तैयार हो गया खाने के लिए चूहा कढ़ाई। इसमें मसाले शसाले डाले हुए। ये देखें, ये उठाया इसने भाई ने, ये रखा और ये तोड़ा। अरे अरे भाई खा गया। वाओ नाइस गुड। तो ये भाई ईट यू ईट। मình lên như tôi mình nổi tiếng mà. अच्छा भाई, बड़ी स्मेल आ रही है यार। मैं तो मजाक कर रहा था आप लोगों से। मैं नहीं खाऊंगा, सिर्फ आप लोगों को दिखाऊंगा। मैंने बक मैं phải trái thì có gặp quá rồi, gót cái đi cho đi xuống chậm quay nó. Ok, bây anh ta gặp chúng ta nó chơi Việt Nam bắt nước đá không đợi. Bỏ cho bìm dưới nè. Nằm ok, có sao đâu. Nice. भाई पूरा चूहा मुंह में रख गया ये, बोल रहा है बहुत जबरदस्त। नाइस, तेरी खैर, वो तेरी खैर। ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, ओए होए, इतने करीब से मैं दिखा रहा हूँ आपको, यकीन करें दिल बहुत ख़राब हो गया मेरा। लेकिन बस वीडियो बना रहा हूँ, वीडियो एंजॉय करनी है आपने, इसको लाइक करना है, शेयर करना है, सही है दोस्तों के साथ। ये पहली बार ऐसी वीडियो आप देख रहे होंगे किसी पाकिस्तानी की। यो चेस, ये पी गया, ये बियर पूरी पी गया खाने से पहले पी गया पूरी। ये देखो इसने पत्ते रखे, ये चाचा को देखना ज़रा। ओए चाचा की बेगम नहीं बनाए, वो तेरी तो चाचा के शौक से खा रहा यार। फिर पत्ता खाया इसने, रखे बहुत सारे पत्ते। ये वेस्ट, नो नो नो, यू 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 यू। ये तोड़ी इसने टांग, ये मिलाया पत्तों के अंदर इसने निवाला, और ये निवाला बना के पूरा पूरा ये लिया इसने ये अंदर। यू ईट, यू एस, यू 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 यू। गप ổng một cái không hả? Ê quay vô. You eat? No, 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 gặp đi, gặp đi qua. No, 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 I'm just watching. Gặp đi, gặp chậm đây một miếng này rồi ông ăn quay giống. Không ăn. No, no, I don't eat. तो जी देख रहे हैं आप लोग, ये सारा कुछ है। ये भाई ने मुझसे कैमरा लिया, कह रहा तुम खा के दिखाओ अपने व्यूवर्स को। तो मैंने तो नहीं खाना भाई, इन्होंने ही खाना है। मैं तो सिर्फ देखने के लिए आया हूँ कि कैसे चूहे खाते हैं मज़े से। यू ईट, ये खाएगा खाएगा, क्यों नहीं खाएगा। भाई एक दो तीन चार पाँच छः सात चूहे थे भाई ये। और ये साथ साथ पीते जा रहे हैं, बियर पीते जा रहे हैं। जो वाह, जो हम जैसे बोलते हैं चीयर्स, ये कहते हैं जो। यार मेरे पास अभी होता ना तो मैं इनसे सांप भी बनवाता, देखता कि सांप कैसा लगता है खाने में इनको। आए ये इनके लिए तो मज़ा मज़ेदार है, टेस्टी। ये देखो पत्तों में भिगोया। Anh chỉnh có mì xào không đâu? Thì không chỉnh kêu năm làm với mì xào xuống cho nó ăn thì ăn. Mì xào sườn. Hết tép rồi. Tép có. Mì xào tép gì đó. Nice. Oh wow.
तो भाई आपने देखा आज हमने चूहा कढ़ाई देखी इनकी, इनकी चूहे की डिश, ये साथ मेरे बैकग्राउंड में बैठे हुए चूहा खा रहे हैं। और मैंने कोशिश की पूरी बनते हुए और कटते हुए इसको पकड़ते कैसे हैं, ये सारा प्रोसीजर मेरी आपने वीडियोस में देखा होगा। और ये खाते हुए कि कैसे खाते हैं, बड़े मज़े लेके खा रहे हैं। ये तो कहते हैं बहुत अच्छा होता है सेहत के लिए, हड्डियों के लिए, पता नहीं क्या क्या बता रहे थे मुझे, कंबोडिया के अंदर लोग बता रहे थे। तो इनके साथ तो ज़्यादा बातचीत नहीं हो पा रही है, तो बस ये है कि मैंने कहा आप लोगों को दिखाया जाए कि कैसा ये खाते हैं चूहे वगैरह पकड़। ये देखें जी चूहे हैं दोनों, इनके हाथ में चूहे खाए जा रहे हैं। और ये देखें मेरे बैकग्राउंड में चूहे को किस तरह से खाया जाता है, मजे ले लेके दिखा दिखा के खा रहे हैं। ओके ओके nè lấy cái đồ xé nồi nhá, quay rồi vô. Ai này em đừng cầm anh vô. Điện cha mày nè. Này quay ăn nhiệt tình không? Người Việt Nam mình ăn nhiệt tình. Cầm chút lên, cầm chút lên. Lê भाई ये खातून है, ये उस लड़के की फैमिली है। और ये जो है ये भी चूहा डिश जो है खा रही है आगे। ये देखें ये इन्होंने निकाला। और ये साथ ये सब यहाँ पे ना बियर सारे पीते हैं मिलके। ये इनकी कोई यू नो ट्रेडिशन है या फेवरेट डिश है जो भी है, ये सारे मिलके बियर शेयर साथ पीते हैं। इसने भी चूहा खाना शुरू कर दिया, मुंह में चूहा है, सब बोल भी रही है। आपस में कोई बात कर रहे हैं भाई, मेरी समझ नहीं आ रही। इन्होंने मेरे लिए मंगाया झींगा, मैंने कहा भाई मैं नहीं खाता, इन्होंने झींगा मंगा दिया। मैंने कहा भाई मैं वेजिटेरियन हूँ, मैं नहीं खाता हूँ मीट टाइप या सी फूड कुछ भी। तो फिर उन्होंने मेरे लिए ये मंगा दिया, ये फ्रूट मैं खा रहा हूँ बैठ के, बस इसी को इंजॉय कर रहा हूँ भाई। बहुत ही अच्छे लोग हैं, बहुत ज़बरदस्त लोग हैं। मैं इनको बताया कि मैं कुछ नहीं खाता, मैं वेजिटेरियन हूँ, तो इन्होंने फिर मेरे लिए सबसे पहले ये मंगाया। और फिर जब मैंने मना किया कि मैं कुछ नहीं खाता, तो फिर इन्होंने मेरे लिए ये मंगाया। ये कहते हैं वियतनामीज़ केक होते हैं, ये मेरे ख्याल से स्वीट पोटैटो है जो, और ये कुछ सब्जियां हैं। तो बहुत ज़बरदस्त लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। और ये ख़ुद ये सारे पी रहे हैं ये बियर वगैरह, यहाँ पे कल्चर है इस तरह से खोल के। और मुझे बड़ी इज्जत दी इन लोगों ने, बड़ी इज्जत दी इन्होंने। और ये इनकी बेटी है, इनकी बेटी है ये, इनके शोहर चले गए यहाँ से। तो अभी ये लोग जो है एंजॉय कर रहे हैं बैठ के टाइम को। और ये देखें इनकी ये सिस्टम चल रहा है, ये बियर डाल के इस तरह से पीते हैं। और मुझे अभी तक सिर्फ जबान का मसला है, और यहाँ पे वियतनाम के अंदर कोई ऐसा मसला नहीं आया, बल्कि बहुत हेल्पफुल है मेरे लिए, बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं भाई। चेक करें यार कितने अच्छे लोग हैं इन्होंने, इनको जो पता चला कि मैं वेजिटेरियन हूँ, गोश्त नहीं खाता हूँ, तो इन्होंने मेरे लिए ये देखें ये मंगाया है। फ्रूट लेकर आए बेचारे, पता नहीं कहाँ से जाके, भाई साहब ये इनके शोहर हैं, पता नहीं कहाँ से फ्रूट लेकर आए। ओहो भाई दिल जीत दिया इन लोगों ने। दो भाई मेरे लिए एक डिश और आ गई है, वेजिटेरियन डिश है ये बता रहे हैं। ये कह रहे हैं कि आप इसको खा सकते हैं, तो ये इसके साथ बने हैं। भाई मैं इनकी हॉस्पिटैलिटी से बहुत मुतासर हो रहा हूँ, और इसको मैं इसके अंदर डुबोऊंगा और इसको खा के देखूंगा। ये वियतनाम की कोई डिश है, मैं देखता हूँ जी कैसी लगती है। मीठा सालन है कोई, बहुत मीठा सालन है, मैं बुरा नहीं बोल सकता क्योंकि इनकी ट्रेडिशनल डिश है ये, तो क्योंकि इनका कल्चर है।
और हर मुल्क की अपनी सकाफत होती है, अपना कल्चर होता है, तो हम उसको बुरा नहीं बोल सकते। हमें अच्छा लगे या ना लगे, क्योंकि हम यूज टू नहीं है इसके, लेकिन इन्होंने अपनी तरफ से बहुत ज्यादा मेहमान नवाजी की है। लेकिन ये सालन जो बना हुआ मीठा सा है, लेकिन मैं खाऊंगा और उनकी तारीफ भी करूंगा कि बहुत अच्छा बनाया उन्होंने। लो भाई, बहुत ज़बरदस्त फैमिली है, बहुत ज़बरदस्त एनवायरनमेंट है। इन्होंने मुझे जाने नहीं दिया, होटल में मेरा बैग पड़ा था, इन्होंने कहा कि बैग हम पिक करा लेंगे, आप यहीं पे रुकें हमारे साथ और रात यहीं स्टे करें। मुझे बहुत इंसिस्ट किया, इन्होंने जाने नहीं दिया। मैंने बहुत कोशिश की जाने की, लेकिन ये माने नहीं। और ये झूला है, इस झूले में हम लेटेंगे। हाँ हाँ हाँ, क्या बात है। इस झूले के अंदर लेट के यहाँ की लोकल लाइफ को इन्जॉय करेंगे। बड़ा ज़बरदस्त झूला है जी, मज़ा आ रहा है यहाँ पे। और ये मेरे सामने जो है दरिया बह रहा है, तो मैं तो बड़ा इन्जॉय कर रहा हूँ और शायद आप भी इन्जॉय कर रहे हो मेरे साथ। थैंक यू भाई, पानी दिया है भाई, बड़ा अच्छा है यार ये बंदा, बहुत नाइस बंदा है ये, बहुत ख्याल कर रहे हैं मेरे लिए। खाने की इतनी चीज़ें लेकर आ रहे हैं यहाँ पे, खाते बहुत ज़्यादा हैं लोग, तो चीज़ें लेके आ ही जा रहे हैं। उनको पता है मैं वेजिटेरियन हूँ, तो मेरे लिए कभी फ्रूट लेकर आ रहे हैं, कभी सब्जी लेकर आ रहे हैं। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू। ये देखो पानी दे रहे हैं मुझे, मतलब मैं लग रहा हूँ बादशाह हूँ जैसे कोई। ये ओके ब्रदर, ओके ये पानी डाल दिया है। अब इसको पीने के बाद जो है मुझे वॉशरूम भी जाना पड़ेगा, इतना पानी पीने के बाद। चले मैं लेटा हूँ, जब तक मैं आंखें बंद करके सोता हूँ और आप लोग वीडियो को एंजॉय करें। तो बस ये वीडियो यहीं तक के लिए थी, आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है। लाइक शेयर करें, कमेंट करें और बताएं वीडियो कैसी लगी। मैं कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे कुछ यूनिक कंटेंट ढूंढने की, करने की आप लोगों के लिए। आगे भी इंशाल्लाह कोशिश होगी अच्छी वीडियोस आएँ, फालतू वीडियो ना हो, सिर्फ काम की वीडियो में फालतू वीडियो शूट ही नहीं कर रहा हूँ। तो बस अब तक के लिए इतना ही, अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।